नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं आपका दोस्त सुमन, स्वागत आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में। दोस्तों, आज आपके लेके आए हैं एक न्यू कंटेंट कि अपने कबूतरों की इम्यूनिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं। देसी नुस्खा बताऊंगा आज जो आपके घर में उपलब्ध है। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए, पहले मैं वीडियो सुबह 7:05 पे पोस्ट कर रहा था और अब जो मैंने एक पोस्ट डाली थी उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा जो वोटिंग आई है वो शाम के 6 बजे की वोटिंग आई है, 6:05 की। तो अब से सभी वीडियोस जो है 6:05 पे आएंगी आपके भाई के चैनल पे। तो लगातार वीडियोस को देखते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब करके रिंग आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेना। तो शुरुआत करते हैं कि कबूतरों की इम्यूनिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इस समय इम्यूनिटी सबको चल चुकी है पता कि इम्यूनिटी जो होती है वो एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो कि रोगों से लड़ने के लिए हमारी बॉडी के अंदर काम करती है कि कोई भी किसी भी तरह का कोई भी रोग हमारी बॉडी को ना पकड़ सके। उसके लिए इम्यूनिटी जो है वो बहुत एक बड़ा रोल प्ले करती है ह्यूमन बॉडी में भी और जानवरों में भी, बर्ड्स में भी, हर एक चीज़ में। तो इसको हम बूस्टअप कैसे कर सकते हैं विद देसी नुस्खे के साथ में, तो इसी के लिए हम बात करने जा रहे हैं। करना कुछ नहीं है, बहुत एक सिंपल सा फंडा है। पूरी वीडियो का पार्ट देखते रहना, फिर मत बोलना कि आपने वीडियो में समझ कुछ नहीं आया। आपको सिर्फ एक लहसुन लेना है, लहसुन मार्केट से मिल जाएगा। पूरी उसकी एक गांठ ले लेना, ठीक है, एक पूरी जो गांठ होती है जिसके अंदर अलग अलग फाके निकलती हैं, तो पूरी आपको एक गांठ लेनी है। लेने के बाद आपको करना क्या है, लेने के बाद आपको वो पूरी की पूरी गांठ को छील लेना और उसका जो छिलके हैं वो तो फेंक देना और जो पूरे के पूरे बचा हुआ उसका होगा मिक्सचर, उस मिक्सचर को या तो मिक्सी में मिक्स कर लेना या फिर सिलबट्टा हो तो ज़्यादा बढ़िया है। जिन जिन भाइयों के घर में सिलबट्टा है तो सिलबट्टे से उसको हल्का हल्का मैश कर लेना और मैश करने के बाद में जो बचा हुआ जो गूदा निकलेगा, जो ग्राइंडिंग हो जाएगी वो, और प्लस जैसे कि अगर आपने मान लीजिए मिक्सी में किया है तो मिक्सी का जार होता है उसमें थोड़ा पानी डाल करके वो जो रस बचा होगा वो भी एक बड़े किसी भगोने में डाल देना, ठीक है। सिलबट्टे पे काम कर रहे हैं तो सिलबट्टे के ऊपर हल्का पानी मार के वो पानी किसी जगह पे इकट्ठा कर लेना और उसी पानी में ही वो बाकी का जो गूदा होगा जो आपने निकाला है पूरा का पूरा मिक्सचर करके मिक्स करके वो आप उसके अंदर उसको डाल लेना, पानी मिला करके मिक्सअप पानी से कर देना। थोड़ा पानी उसमें होना चाहिए, लगभग उसमें आप आधा लीटर पानी डाल देना। आधा लीटर पानी डाल करके और उस मिक्सचर को लहसुन का जो मिक्सचर होगा उसको उसमें डाल करके छोड़ देना टिल रात एंड तक। रात को ये काम करना है या शाम को भी कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा बेटर रहेगा कि रात के टाइम इस काम को कर लें। इस पानी को अगले दिन आपने सुबह क्या करना है, अब आपने इस पानी को अपने कबूतरों को देना है। वो देना किस तरीके से है, इसको छान लेना किसी कॉटन के कपड़े की मदद से या छन्नी की मदद से, जो भी अवेलेबल हो, और इस आधा लीटर पानी में 1.5 लीटर पानी और मिला लेना तो ये टोटल हो जाएगा आपका 2 लीटर पानी। इस 2 लीटर पानी को कबूतरों को 10 दिन में एक बार आप सेवन कराएं। सर्दी के सर्दी तो कबूतर जो है वार्म अप रहेंगे, कबूतरों में आपको एक अलग तरह की गर्मी देखने को मिलेगी और क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो लहसुन होता है वो एंटीबायोटिक का काम करता है, तो वो बहुत एक अच्छा सब्सटेंस है जो कबूतरों को हम दे सकते हैं। बतौर उनको एंटीबायोटिक गोलियां खिलाने की आप ये खिलाओ ज़्यादा बेटर रहेगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। संतुष्ट होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना, भूलना मत बिल्कुल भी, एक प्यारा सा कमेंट डाल देना। चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की और ज़्यादा एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए। और जितने भी टॉपिक्स हमें मैंने लास्ट वीडियोस में कही हैं वो पर डे आपको एक टॉपिक के ऊपर वीडियो मिलती जाएगी। सर्दियों के ऊपर भी डालनी है, जोड़ों के ऊपर भी डालनी है, तो वो सभी चीज़ें मिलती जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।